अपने गुरु सॉफ्टवेयर्स के जो भी साइट के शॉर्टकट्स हैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले है अपना एड डीलर। दोस्तों ये शॉर्टकट्स ऐसे हैं कि हम खुद से इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एड डीलर, डीलर मतलब अपना व्यापारी। अगर हमको यहाँ पे एड डीलर के जगह एड व्यापारी करके चाहिए तो वो भी सेटिंग्स हम इसमें पूरा कर सकते हैं। इवन ये जो आपको साइट के शॉर्टकट्स दिखा रहे हैं F7, F12, F1, ये शॉर्टकट्स भी हम कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। ओके, आपको जैसे नीड है उस हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए ऐड डीलर को क्लिक करते हैं। ऐड डीलर मतलब अपन व्यापारी, अपने जो व्यापारी है, अपन जिससे माल लेते हैं, गुड्स रिपर्चेस, तो उसका पूरा इसमें डिटेल डालना है। अभी सबसे आएगा पहले नेम। नेम मतलब अपने डीलर का, पूरा फर्म का नेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल संजय टेक्सटाइल्स, ये एक मैं नाम ले रहा हूँ। उसके बाद एंटर मारा, एंटर एलियास। एलियास में आप उसका शॉर्टकट नेम, और आप अगर डायरी वगैरह मेंटेन करते हैं तो डायरी का जो इंडेक्स नंबर आता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों में से जो ऑप्शन आपको चाहे वो आप लिख सकते हैं। अब एंटर मारा तो इसमें आता है रजिस्ट्रेशन टाइप। रजिस्ट्रेशन फोर काइंड्स ऑफ रहते हैं, रेगुलर, कंज्यूमर, अनरजिस्टर और कंपोजिशन। रेगुलर मतलब क्या, अपना जो रेगुलर जीएसटी रहता है, मतलब हमारे में टाइप्स है जीएसटी 5%, 12%, 18%, 28%, 3%। तो जो रेगुलर जीएसटी भरते हैं, लाइक डिपेंड अपॉन द गुड्स दे परचेस, मतलब समझो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की चीज़ परचेस की, उसके ऊपर वो 5% लगाते हैं, तो वो जो पर्सन आते हैं वो रेगुलर में आते हैं। उसके बाद आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कौन, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है बट जो आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो कंज्यूमर के लिस्ट में आ गए। उसके बाद आता है अनरजिस्टर। अनरजिस्टर मतलब जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। और एंड में आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब जिनके पास जीएसटी नंबर है लेकिन वो जो टोटल सेल रहता है उसके ऊपर वो 1% गवर्नमेंट को देते हैं। लाइक वो फॉर एग्जाम्पल कोई गुड्स है 18% का, तो हम रेगुलर वाले क्या करते हैं कि 100 के ऊपर 18% लगा के 118 रुपीज़ में बेचते हैं, लेकिन कंपोजिशन वाले क्या करते हैं 100 रुपीज़ में ही बेचते हैं और उनका जो टोटल सेल रहता है ईयर का उसके ऊपर 1% वो गवर्नमेंट को देते हैं। वो कंपोजिशन के अंदर आते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन। संजय टेक्सटाइल के अंडर कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, संजय भाई करके कॉन्टैक्ट पर्सन है। उसके बाद प्लेस, संजय टेक्सटाइल कहाँ का है, अभी मैं लिखता हूँ वहाँ पे मुंबई के है। अभी और एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एम टाइप करता हूँ तो एम नाम के सभी जो भी प्लेसेस है वो ऑटोमेटिक लोड हो जाते हैं। अब अगर आपने अगर प्रीवियसली सब डेटा डाला हो तो वो नाम का पूरा डिटेल ऑटोमेटिक आपका लोड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं और कोई ए टाइप किया तो अहमदाबाद पूरा लोड हो गया। तो ऐसे ही जो भी हम इनिशियल लेटर टाइप करते हैं, तो अगर आपकी जो भी ऑलरेडी प्लेस सेव है, ऑलरेडी आपने कुछ डीलर उस एरिया का क्रिएट किया हो, तो ऑटोमेटिक वो लोड हो जाता है। उसके बाद आता है एड्रेस। यहाँ पे आप वो पर्टिकुलर डीलर का एड्रेस लिख सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, इसमें नेम और प्लेस ओनली मैंडेटरी है, बाकी कुछ भी ये वाले जो स्क्रीन है उसमें और कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद सिटी आप लिख सकते हो, वो कौन से सिटी के बिलोंग करता है, एरिया, पिन कोड, स्टेट कौन से स्टेट के बिलोंग करता है, उनका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर। अभी आधार कार्ड के इधर यहाँ पे एक ऑप्शन है आधार वेरीफाई ऑनलाइन, RC वेरीफाई ऑनलाइन। यहाँ पे आप ऑनलाइन गवर्नमेंट का साइट ओपन होता है, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो आधार वेरीफाई कर सकते हो पर्टिकुलर डीलर का, उसका RC वेरीफाई कर सकते हो।
तो ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम कनेक्टेड है। उसके बाद आता है आपका जीएसटी नंबर। तो मान लो इधर मैं जीएसटी नंबर लिखता हूँ, जीएसटी नंबर मैंने लिखा। अगर इसको मेरे को ऑनलाइन वेरीफाई करना हो तो उसके लिए भी इसके बाजू में बटन है जीएसटी सर्च ऑनलाइन। तो आप ये वाले जीएसटी को ऑनलाइन वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपका नया डीलर है तो उसका जीएसटी नंबर आपके पास होगा तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि वो जेन्युइन है कि नहीं, या उसका आधार कार्ड वैलिड है कि नहीं, या जीएसटी नंबर वैलिड है कि नहीं। इसको मैं एंटर मारा। अभी और एक मैं यहाँ पे बात बताता हूँ। अगर समझो यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर कुछ गलत लिख दिया, 9 की जगह 8, तो इनवैलिड हो जाएगा ये। जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ तो आपको क्या आएगा, इनवैलिड जीएसटी नंबर। ये जो जीएसटी नंबर है ये हमारे गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से सेटिंग्स की हुई है इस कोड में। तो कोई भी इनवैलिड जीएसटी नंबर होगा तो आपको वो अलर्ट देगा। और दूसरी एक बात यहाँ पे मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लोअर केस में लिखा, ये मैंने लोअर केस में लिखा, और जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ तो ये ऑटोमेटिक अपर केस में हो जाता है। तो वो ऑटोमेशंस यहाँ पे डाले हुए हैं छोटी छोटी चीज़ों के, यहाँ पे मतलब पूरा ख्याल रखा गया है। सेम ये जो हमने नेम में डाला था वो भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। समझो आपने स्मॉल केस में पूरा डाला संजय टेक्सटाइल्स, और यहाँ पे जैसे ही आप एंटर मारते हैं तो जो इनिशियल लेटर है लाइक संजय का एस कैपिटल हो गया और टेक्सटाइल का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, तो जो इनिशियल लेटर्स है ऑटोमेटिक वो अपर केस में हो जाते हैं। तो वो सब ऑटोमेशंस यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के किए हुए हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे लैंडलाइन नंबर, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल 1, मोबाइल 2। फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ, उसके बाद मोबाइल 2। यहाँ पे हमको एंटर एंटर मारते जाना है, एंटर एंटर मारा, नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाएगा। लाइसेंस नंबर, ईमेल आईडी। आप यहाँ पे ना अप एरो और डाउन एरो भी यूज़ कर सकते हैं, अप एरो ऊपर जाने के लिए, डाउन एरो नीचे आने के लिए, या नीचे आने के लिए एंटर भी प्रेस किया तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे सेल्समैन, अगर आप यहाँ पे डीलर, जो भी नया ये डीलर है उसका माल आप एजेंट के थ्रू लेते हैं तो यहाँ पे आप एजेंट का नाम भी लिख सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में एजेंट्स का रिपोर्ट भी निकलता है। फॉर एग्जाम्पल एक एजेंट के थ्रू आपने 4 डीलर्स जुड़े हुए हैं तो चारों डीलर्स का कंबाइन आपको रिपोर्ट या उस एजेंट का रिपोर्ट निकालना है तो वो भी इस सॉफ्टवेयर में निकल सकता है। तो अगर वैसा सिनेरियो है कि आप ये डीलर एक एजेंट के थ्रू आ रहा है तो आप एजेंट का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, एल्स आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि ओपनिंग बैलेंस डेट। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, वो डीलर का, समझो ये एक डीलर है संजय टेक्सटाइल, उसको मेरे को 1/4 को, 1/4 को हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर होता है, तो 1/4 को समझो मेरे को उसको 50,000 देने हैं। या आप आज से सॉफ्टवेयर शुरू कर रहे हैं तो आज का आप उसको वहाँ पे डेट लिखना है, और आज के डेट का जो बैलेंस है वो आपको ओपनिंग बैलेंस में डालना है। फॉर एग्जाम्पल 1/4/2019 को मेरे को उसको 50,000 देना बाकी है। तो यहाँ पे हमने 50,000 लिखा। अब कुछ सिनारियोस ऐसे भी होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमें डीलर को 1 लाख रुपीज़ देना था, अब हमने उसको भूल से जल्दबाजी में उसको 1,20,000 हमने उसको सेंड कर दिया, और हमें बाद में पता चलता है कि हमने उसको 20,000 एक्स्ट्रा सेंड किया है। तो उस केस में आपको यहाँ पे -20,000 लिखना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो आपको 20,000 देना बाकी है, राइट? तो ये सिनेरियो रेयर होता है बट चांसेस आर देयर, चांसेस है इसके। तो करंटली तो मैं यहाँ पे 50,000 लिखता हूँ। ओके, तो 50,000 हमें उसको देने हैं। अभी यहाँ पे और एक मैं एंटर मारा, और एक बार एंटर मारा तो ये सेव हो जाता है। एल्स इसका शॉर्टकट भी है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो हम यहाँ पे प्लेस पे आए
और प्लेस के बाद हमको और कोई डेटा सेव नहीं करना है। तो उस सिनेरियो में आपको बार बार एंटर मारने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट है कंट्रोल एस करके। जैसे ही आप कंट्रोल एस सेव करते हैं, कंट्रोल एस, एस मतलब सेव, कंट्रोल की को दबा के मैंने एस को प्रेस किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका डेटा सेव हो गया। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, इसको मैंने एंटर दबाया तो वो सेव हो गया, और आप कंटिन्यूसली दूसरा डीलर यहाँ पे विदाउट इंटरप्शन, विदाउट डिस्टर्बेंस, आप कंटिन्यूसली दूसरा डीलर सेव कर सकते हैं। और अगर आपके सब डीलर सेव हो गए और बैक आना है, तो या तो आप राइट साइड में, अपर राइट साइड में क्रॉस एरो है, उसको दबा के क्लोज कर सकते हैं, एल्स एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। एस्केप की को मैंने प्रेस किया तो ये आपका मेन स्क्रीन पे आ गया। अभी आपका जो भी डेटा है वो सेव हो चुका है। अभी हमने जो डीलर्स सेव किए हैं उसकी अगर लिस्ट देखनी हो, तो यहाँ पे डीलर्स करके बटन है, एल्स आप F12 भी प्रेस कर सकते हैं। अभी मैं डीलर्स को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपका जो भी डीलर्स है, ओके, उसका पूरा लिस्ट आ गया। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करता हूँ, टाइप करने के लिए कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं। समझो SAN टाइप किया मैं, तो यहाँ पे आ गया संजय टेक्सटाइल, और उसका ओपनिंग बैलेंस आ गया है 5000, और यहाँ पे ग्रुप नेम आ गया है सेंड्री क्रेटर्स। सेंड्री क्रेटर्स मतलब हमारे जो डीलर है, हमारे जो व्यापारी है, वो आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, अब जैसे ही यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, तो उसका पूरा हमने जो डिटेल सेव किया था वो आ गया। यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस करने हो, फॉर एग्जांपल एड्रेस हमने नहीं डाला था, एड्रेस डालना है, या कुछ कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल मैं एड्रेस डाला और ये मैंने अपडेट किया, मतलब चेंजेस किए, और ये मेरे को सेव करना है, तो यहाँ पे नीचे नीचे या तो एडिट बटन है, इसको क्लिक कर सकते हैं, या तो जो मैंने शॉर्टकट बताया था कंट्रोल एस, तो डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड, ये मैंने एंटर मारा, तो जो भी आपका जो संजय नाम का जो व्यापारी था उसका डिटेल अपडेट हो गया है। क्रॉस वेरीफाई करना है तो कर सकते हैं। अभी मैंने बैकस्पेस दबाया और फिर से संजय टेक्सटाइल को टाइप किया, एंटर मारा, तो आप देख सकते हो एड्रेस में मुंबई आ गया है, यानी हमारी जो भी डिटेल थी वो अपडेट हो चुकी है। अब फिर से मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और बैकस्पेस पूरा प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शंस है लेफ्ट साइड में कि आप सिटी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। अब मैं सिटी को सेलेक्ट किया और कहीं पे भी यहाँ पे क्लिक किया, और मैं टाइप करता हूँ मुंबई, तो मुंबई के जो भी हमारे डीलर्स है उसका पूरा लिस्ट आ जाता है। यहाँ पे किसी को भी आप सिलेक्ट करके एंटर मार के एडिट कर सकते हो, या तो नीचे बटन है एडिट, उसको भी प्रेस किया तो भी चलेगा। और समझो ये वाले अनुपम गारमेंट या ये संजय टेक्सटाइल है, या किसी को भी अपन को डिलीट करने का है, तो यहाँ पे डिलीट बटन है नीचे, डिलीट, या तो फिर कंट्रोल वाई शॉर्टकट है, कंट्रोल वाई शॉर्टकट भी आप प्रेस कर सकते हो, या तो डिलीट को क्लिक कर सकते हो। तो डिलीट से पहले आपको एक वार्निंग देगा, डू यू रियली वॉन्ट टू डिलीट, येस और नो। नो करते हो तो डिलीट नहीं होगा, अगर येस करते हो तो, अगर उसके कुछ ट्रांजेक्शन्स ना हो, फॉर एग्जाम्पल अनुपम गारमेंट के कुछ ट्रांजेक्शन्स है, यू कैन नॉट डिलीट अकाउंट इफ इट हैज सम ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन मतलब आपके या तो वो परचेज, या तो पेमेंट, या तो कुछ, सो उस अकाउंट के रिलेटेड आपके एंट्रीज है सॉफ्टवेयर में, इसकी वजह से आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, तो हम दूसरा अकाउंट ट्राई करते हैं। अब मैं सिटी टाइप करता हूँ, यहाँ पे गया, बैकस्पेस प्रेस किया, बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो जो ऑलरेडी पहले सर्च था वो क्लियर हो जाता है। अब मैं फिर से मुंबई टाइप करता हूँ,
और मैं अभी संजय टेक्सटाइल को क्लिक करता हूँ, और संजय टेक्सटाइल के हमने कुछ भी ट्रांजेक्शन्स अभी नहीं किए, तो हम अगर इसको अब डिलीट करेंगे और यस प्रेस करेंगे तो डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, क्योंकि हमने ना उसके अगेंस्ट परचेस मारा, ना कुछ उसके अगेंस्ट पेमेंट या और कोई परचेस रिटर्न या कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं मारा है, तो उसकी वजह से वो डिलीट हो पाया, दूसरे डिलीट नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उसके ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में थे, या तो उसका परचेस मारा होगा या पेमेंट मारा होगा या कोई तो ट्रांजेक्शन्स किए होंगे। अब और एक ऑप्शन है यहाँ पे, सर्च बाय मोबाइल। सर्च बाय मोबाइल भी सिलेक्ट किया और किसी अकाउंट को सिलेक्ट किया और डायरेक्ट मोबाइल नंबर टाइप किया, अभी मैं 90 टाइप किया, तो मोबाइल नंबर के अगेंस्ट कुछ नहीं था इसलिए सर्च में कुछ नहीं आया। अभी मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो सर्च क्लियर हो गया। ओके, तो ये हमने पूरा डीलर्स का देखा। यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है नीचे, प्रिंट को प्रेस करके ये डिटेल्स प्रिंट भी कर सकते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।